ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਲਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ये मुकद्दस के भाई की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये इंक्वायरी वापस ना ली गई तो हमने एक आपका बेटा मारा है तो दूसरा भी हम मरवा सकते हैं। तो मुकद्दस की जानिब से भाग के जाया जाता है वॉशरूम में जाके कॉल की जाती है और फिर इन्फॉर्म किया जाता है कि मैं अपने खामत को बाहर भेज रही हूँ दवाई लेने के लिए और आप पहुँच जाओ। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। आज मकतूल अहसन के घर में पहुंचा तो मालूम पड़ा कि अहसन के वालिद मोहतरम और वालिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डेट्स वाई मैं उनको आपके सामने नहीं ले पा ला पाया। ये वो कमरा है जिसको सजाया गया था खूबसूरती के साथ। ये अहसन का कमरा था जहाँ पे वो अपनी बीवी के साथ रहा करता था और शादी के बाद उसने अपने रूम को डेकोरेट किया और बहुत खूबसूरती के साथ रखा हुआ था इस कमरे को। और फिर ये वही कमरा है जहाँ पे वो अपनी बीवी के साथ रहा करता था, अपने बच्चों के साथ रहा करता था। बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत से ऐसे शवाहिद सामने आए हैं, बहुत से ऐसे सबूत सामने आए हैं। थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो खतून थी मुकद्दस नामी, ये खतून लेकर पाली गई थी एक हॉस्पिटल में जहाँ पे ये पैदा हुई थी। उस हॉस्पिटल की नर्स ने कहा कि जिन्होंने इसको पाला था उस नर्स ने उनको कहा कि ये बच्ची पैदा हुई है, तो इन्होंने कहा कि कितने पैसे लेंगे, तो इस तरह से मामला तय पा गए और इस बच्ची को ले जाया गया और फिर पाला गया, बड़ी हुई, बड़े होने के बाद इसकी शादी की गई। और शादी के तकरीबन 3-4 माह बाद जब ये ससुराल में थी तब मालूम पड़ा था कि इसके सगे माँ बाप भी हैं, तो फिर इसने अपने सगे भाई के साथ भी राबता किया और फिर उसके नाजायज़ ताल्लुकात भी वहीं से कायम होना शुरू हुए थे। अब जो सगा भाई था जो गिरफ़्तार है इस टाइम और जुडिशल हो चुका है, उस शख्स की जानिब से किस तरह से धमकियां आ रही हैं जो मकतूल की फैमिली है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। कुदरत लाही नूं कह देना कि हीरे नूं भी फोन करके दस देवे कि उनके अगर असीं बच्चे नूं सरवा सकदे आ ना उनके पोतरियां नूं मरवा भी सकदे आ ते जिहड़े इनक्वायरी करदे पए उहनां ते इहनूं रोकदे हो कुदरत लाही नूं लाज़मी कह देना। कुदरत इलाही जो है वो मकतूल के वालिद मोहतरम है, उनका नाम लिया जा रहा है। एक मुंडा दे गया ही है दूजे नूं भी मरवा लवे इत्थों इहनूं कहे जिहड़ी इंक्वायरी आप जांदा कितें आ ते जां कोई आंदा सानूं सारी इनफॉर्मेशन मिल रही है असीं मल्ले दा। ये मुकद्दस के भाई की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये इंक्वायरी वापस ना ली गई तो हमने एक आपका बेटा मारा है तो दूसरा भी हम मरवा सकते हैं। ये वो वॉइस थी जिसमें वो धमकियां दे रहा था कि भाई अगर आपने इंक्वायरी या अपना केस वापस ना लिया तो हम आपका दूसरा बेटा भी मरवा देंगे जिस तरह से हमने आपका पहला बेटा मारा। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो मकतूल को पहले भी तकरीबन 5 फायर लगे थे, वो भी इन्हीं लोगों की जानिब से मारे गए थे और तब भी मकतूल को मौत के घाट उतारने की कोशिश की जा रही थी लेकिन अल्लाह की रहमत से उस वक्त बच गया। लेकिन इस मकतूल की फैमिली की जानिब से तब कार्रवाई कोई नहीं की गई थी। हमें यहाँ पे पहुँचने पे मालूम ये भी पड़ा कि मकतूल की बीवी जो मुकद्दस है, जो मुलज़िम है, उस खतून की जानिब से नशा भी किया जा रहा था। सिगरेट यहाँ से उसके कमरे से वसूल हुए थे और वो सिगरेट पीती थी और दूसरे नशे भी करती थी। चूँकि मकतूल की जो फैमिली है इंतहाई शरीफ है, इंतहाई मासूम है, मकतूल की फैमिली पे ही मुकदमे किए जा रहे हैं और झूठी FIR कटवाई जा रही हैं और ये इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं कि मकतूल के भाई और मकतूल के वालिद मोहतरम ने मकतूल का कत्ल किया है। और जब ये केस रिजवान साहब के पास गया जो कि इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं
तो उनकी जानिब से ये फिर कहा गया कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, इस मुकदमे की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी और सारे सबूत सामने लाए जाएंगे। अदालतों में घसीटा जा रहा है मकतूल की फैमिली को, अदालतों में बुलाया जाता है बार बार और बार बार मुकदमे किए जाते हैं कि मकतूल के जो कातिल हैं वो मकतूल के वालिद मोहतरम ही हैं। आपने वालिद मोहतरम को देख लिया होगा कि उनकी वाइट दाढ़ी है और बहुत ही मासूम इंसान है, पांच वक्त की नमाजी हैं और पांच वक्त ही वो मस्जिद में जाके वो अज़ान देते हैं। और जो अभी की अपडेट्स हैं मेरे पास वो ये हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास आ चुकी हैं, चूँकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यूट्यूब की, तो डेट्स वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वाजिया देखा जा सकता है कि दो लोग बाइक पे आते हैं और जैसे ही मालूम पड़ता है मकतूल की जो जोजा थी उसकी उसको मालूम पड़ता है कि वो लोग आ चुके हैं, तो मुकद्दस की जानिब से भाग के जाया जाता है वाशरूम में, वाशरूम में जाके कॉल की जाती है और फिर इन्फॉर्म किया जाता है कि मैं अपने खामत को बाहर भेज रही हूँ दुआई लेने के लिए और आप पहुँच जाओ, तो फौरी वो किक मारते हैं और वो मकतूल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुँचानी थी और बाज़ लोग इस हवाले से भी कमेंट्स कर रहे हैं कि इस मामले को उछालना नहीं चाहिए था, इस मामले को राजदारी में रखना चाहिए था, इसको छुपा लेते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, या शायद मैं समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ, चूँकि हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हों, राज उस चीज़ का रखा जाता है जो मुआशरे में ख़राबी पैदा ना करे, तबाही पैदा ना करे। ये कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाए किसी की जानिब से, आपको बर्बाद कर दिया जाए, आपको मार दिया जाए और फिर भी आप उसकी राजदारी रखें। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सज़ा इस्लाम ने बताई हुई है वो सज़ा इन दोनों को होनी चाहिए, और मीडिया ट्रायल हर उस शख्स का होता है जो इस तरह के कारनामे सर अंजाम देता है। आपने कोई जहाज़ तो तैयार किया नहीं कि हम आपकी पॉजिटिव चीज़ दिखाएंगे, हम इस चीज़ को इस तरह से बताएंगे नहीं कि आप परेशान नहीं हो। परेशान होना बनता है हमारे मुआशरे के लिए, चूँकि इस तरह की बेहयाई को हमने और आपने खुद ने कंट्रोल करना है। आज इस घर में इस तरह का वकुआ हुआ है, आपके घर भी इस तरह का वकुआ हो सकता है अगर हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र ना रखी, हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को अवेयरनेस ना दी, उनको ये नॉलेज ना दिया कि आपके बाउंड्रीज क्या हैं, आपने कहाँ तक महदूद रहना है। दो बहन भाइयों में नाजायज़ ताल्लुक होना किस तरह का होता है ये आप लोग जानते हैं। अब मेरी बहन बेटी पे कोई नज़र डाले तो मैं गुस्से का इजहार करूँगा और तकलीफ़ का इजहार करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ, और मैं अपनी बहन बेटी को रोकूँगा कि आप गली में ना जाया करो या बाज़ार में ना जाया करो, और यहाँ जाना होता है तो अपने जिस्मों को ढांप के निकला करो। लेकिन इस तरह से नाजायज़ ताल्लुक कायम करना ये हमारे मुआशरे के लिए एक कैसी मिसाल पैदा की जा रही है, हम अपनी नस्लों को क्या बताएँगे, कैसी नस्लें तैयार करेंगे। ये लम्हा फिक्री है, हमें सोचना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह।